अल्लाह पर भरोसा रखना और उसके हुक्म पर अमल करना भी दिल को सुकून देता है। अल्लाह की याद में जिक्र करना और तस्बीह पढ़ना दिल को सुकून देता है। मुश्किल वक्त में सब्र करना और अल्लाह पर भरोसा रखना भी सुकून देने वाला है। अपनी गलतियों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगना और दूसरों को माफ़ कर देना भी दिल को सुकून देता है। दूसरों की मदद करना और उनकी तकलीफ को कम करने में शामिल होना इस्लाम में मुबारक है। इस्लाम में भरोसा अल्लाह पर रखना बहुत अहमियत रखता है। जब हम अपनी मुश्किलात और परेशानियों को अल्लाह पर छोड़ देते हैं तो दिल को सुकून मिलता है, कुरान में कहा गया है, और जिसका भरोसा अल्लाह पे हो तो वही बेहतरीन हाफिज और बेहतरीन मददगार है। दुआ करके इंसान अपने दिल को सुकून दिला सकता है। अल्लाह से दुआ करके माफ़ी मांगते हैं और जब दुआ कबूल होती है तो दिल खुशियों से भर जाता है। जिक्र अल्लाह की याद का एक तरीका है। अल्लाह की याद में मसरूफ रहने से दिल को सुकून मिलता है। कुरान में कहा गया है, अल्लाह की याद में डूब कर रहना है। अल्लाह ही हमारे मालिक है। सब्र रखना भी दिल को सुकून देता है। जब किसी मुश्किलात का सामना करते हैं और सब्र से काम लेते हैं तो अल्लाह उन्हें बेहतरीन नतीजा अता फरमा देता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और अल्लाह के लिए सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह से मग़फ़िरत मांगना इंसान के लिए दिल को सुकून देने वाला अमल है। जब हम अपनी गलतियों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह हमें माफ़ फरमा देता है और हमारा दिल पाक हो जाता है। इस्लाम में दूसरों की मदद करना और उनकी तकलीफ को कम करने में शामिल होना भी मुबारक है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह हमारे दिल को सुकून देता है और हमें खुशियों से नवाजता है। जब हम अपनी गुनाहों से तौबा करते हैं और अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। तौबा एक सफाई का अमल है। अल्लाह के दिए हुए नेमतों का शुक्रिया अदा करना भी दिल को सुकून देता है। शुक्र अदा करने से अल्लाह हमारे लिए और ज़्यादा नेमतें भेजता है। नमाज अल्लाह के करीब होने का जरिया है। हर दिन 5 वक्त नमाज पढ़ने से इंसान का दिल पाक और सुकून से भर जाता है। अल्लाह की मोहब्बत का हिस्सा यह है कि आप अल्लाह पर पूरा भरोसा करते हैं। आप जानते हैं कि हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है और वह हमेशा सही फैसले करते हैं। अल्लाह की मोहब्बत में आप सब्र और शुक्र को अपनी ज़िंदगी में कायम रखते हैं। आप जानते हैं कि सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। मोहब्बत का एक तरीका भी यह है कि आप दुआ करते हैं। आप अल्लाह से मदद, हिदायत और माफ़ी की दुआ करते हैं। अल्लाह से मोहब्बत करने का एक तरीका भी यह है कि आप दूसरों की मदद करते हैं और नेक काम करते हैं, क्योंकि इस्लाम में नेकी और इंसानियत पर भी जोर दिया गया है। इस्लाम में यह माना जाता है कि जब कोई इंसान अपने गुनाहों से पछतावा करता है और सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह की रहमत और करम पर भरोसा रखो। तौबा करने के लिए इंसान को अपने गुनाहों से सच्चे दिल से पछतावा करना चाहिए। इसका मतलब है कि वह अपने किए गए गुनाहों को खुद से पसंद नहीं करते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं।
तौबा के हिस्से में ये भी शामिल है कि इंसान अपने किए गए गुनाहों से बचने की कोशिश करे, वह गुनाहों को छोड़कर नेक काम करे और अल्लाह की राह में चले। इंसान अल्लाह से अपनी तौबा की दुआ करते हैं, वो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और अपने आप को सुधारने की ताकत मांगते हैं। तौबा के बाद इंसान को नेकी और इंसानियत की तरफ बढ़ना चाहिए। वो नेक काम करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। तौबा के बाद इंसान को अल्लाह की रहमत और खुशियों की तलाश में लगना चाहिए, अल्लाह के प्यार और माफ़ी पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए आपको सच्चे दिल से अपने किए गए गुनाह का आगाज और पछतावा करना होगा। आपको खुद से और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और नियत करनी चाहिए कि आप आगे चलकर ऐसी गलतियां नहीं दोहराएंगे। इंसान के दर्द और दिल के राज सिर्फ अल्लाह को पता है और वह हर चीज पे कादिर है। अल्लाह से डरो और सच्चाई पर चलो। जो शख्स अपने भाई की मदद करेगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा। अल्लाह का शुक्र करने वालों को सुकून मिलता है। किसी पर भी जुल्म न करो और किसी के जुल्म में भी साथ न दो। अल्लाह की राह में सदका दो और फिर देखो कैसे अल्लाह आपको बख्शिश करता है। अल्लाह आपके दिल में है। अल्लाह से माफ़ी मांगो, ये एक अमल है जो हमारे दिल और रूह को सुकून देता है। जब हम सच्चाई से अपने गुनाहों का एहसास करते हैं और माफ़ी तलब करते हैं तो अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करते हैं और हमें नई शुरुआत का मौका देते हैं। इसलिए हमेशा अपनी गलतियों से सीख कर अल्लाह से माफ़ी मांगो, क्योंकि वह रहमान और रहीम है और वह हमेशा माफ़ करने वाला है। माफ़ी अल्लाह से मांगने का एक खास अमल है जो हमारे ईमान की गहराइयों को छू सकता है। जब हम अपने गुनाहों का एहसास करते हैं और सच्चाई से माफ़ी तलब करते हैं तो हम अपनी रूहानी सफाई को बढ़ाते हैं। अल्लाह रहमान और रहीम है जो हमेशा अपने बंदे की तरफ रहम करते हैं। हमेशा याद रखें कि इंसान गलतियां करता है, लेकिन उनका तौबा और माफ़ी तलब करना अल्लाह की रहमत से भरा है। माफ़ी अल्लाह से मांगने का एक ज़रूरी अमल है। जब हम अपने गुनाहों का एहसास करते हैं और माफ़ी तलब करते हैं तो हम अपने अंदर के सुकून को पा सकते हैं। अल्लाह रहमान और रहीम है जो हमेशा अपने बंदे की तरफ रहम करते हैं। हमारे गुनाहों से सीख कर हमें हमेशा अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में बेहतर होने का इरादा करना चाहिए। माफ़ी मांगो, सच्चाई के साथ रहो और अपनी रूहानी सफाई को बरकरार रखो।